तो अगर वो ढाई सौ या तीन सौ का हो जाएगा तो लाइफ लाइन यूजर, यूजर के लिए उसका टैरिफ बदल जाएगा और वो टैरिफ क्या होगा आ, वो एक अपने से ऊपर वाली स्लैब में चला जाएगा क्योंकि हमने जो आई एम एग्रीमेंट किया है अभी हमने जो किया है वो एक पैसे या अगर हम उसको सब्सिडी करें तो एक रुपए अड़सठ पैसे बनता है वो चालीस से पचास पैसे है और वो हम देखेंगे हमने लाइफ लाइन पे लगाना है कि नहीं लगाना लेकिन लाइफ यूजर का आप नेक्स्ट स्लैब पे लेके जाए तो उनके लिए पूरा काफ़ी ज़्यादा बोझ आएगा यह आपने जहन में रखिए नदीम मलिक साहब आप मुझे कोई ऐसा नुस्खा बताएं कि ये जो 800 अरब की मुझे किराया बिजली घरों को किराया देना पड़ता है मैं बिजली लूं या ना लूं पूरा साल जब 9000 मेगावाट में बिजली बना रहा हूं तब भी देना पड़ता है जब 25000 बना रहा हूं तब भी देना पड़ता है तो वो मैं कहां से दूं अभी आप बिजली से कोई इसमें से कोई ऐसा सौदा नहीं जो पाकिस्तान तरीके इंसाफ की हुकूमत ने किया हो आज ये आठ अरब है दो में ये बारह अरब है अभी आप बिजली कितनी बना रहे हैं अभी आजकल आजकल हमारा को बारह हजार मेगावोट जो आपकी डेली प्रोडक्शन दो हजार बाईस से ऑनवर्ड आई थिंक आपके पास प्रोविजन आ रही है जिसमें आप अबको हबको और ये वाले प्लांट की वो मुद्दत कंप्लीट हो जाएगी आप इनमें कुछ के क्लोजर पे भी जा सकते हो तो हमने, भी भी जैनकोस के। जैनकोस के के हमने अभी भी किए हैं क्लोजर जैन को उसके दो हजार बाईस में किस किस को करेंगे वो जो 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 होएगा हम क्लोजर करेंगे हमने अभी भी किए हैं तो फिर एडिशनल कॉस्ट तो आपकी वो स्टेबलाइज हो जाएगी सर आपको छब्बीस हजार मेगावोट की पाइपलाइन है आपके अगले दस साल में छब्बीस हजार समर मंथ में हमारी डिमांड कितनी है हमारी पीक डिमांड पच्चीस हजार इस साल हमने चौबीस हजार सात सौ मेगावोट दी है विदाउट एनी पॉन आपको छब्बीस हजार की कैपेसिटी तो लगानी पड़ेगी ना एक्सेस तो आप ये कह रहे हैं कि उन्नीस सौ सैतालीस से लेके आज तक हमारी पीक डिमांड है पच्चीस हजार और अगले दस साल में और पच्चीस हजार आ जाएगी नहीं पच्चीस हजार तो आपकी अभी समर्स में आती है तो आपको छब्बीस साइस हजार की कैपेसिटी तो रखनी पड़ेगी ना अदरवाइज समझ दे दे तो आप कि इसके हम और कर लें। मैं ये नहीं कह रहा मैं कह रहा हूँ कि अगर पच्चीस हजार आपकी समर्स में पीक डिमांड आती है उसके मुताबिक आपकी सप्लाई ठीक एक्सेस नहीं सर एक जाती है एक चीज होती है पीकिंग प्लांट्स पीकिंग प्लांट्स दुनिया में वहां लगाए जाते हैं जहां पे सीजनल वेरिएशन बहुत ज्यादा होती है तो आपको पता है हमारा जो रिटर्न ऑन एक्विटी है ज्यादातर आई का वो उनतीस फीसद दुनिया का सबसे हाईएस्ट और वन साइडेड कॉन्ट्रैक्ट्स हैं और उसमें पीकिंग कैपेसिटी के हवाले से कोई प्रोविजन नहीं है कि नॉन पीकिंग टाइम पे आप उनका क्लोजर कर दें या नॉन कैपेसिटी पेमेंट्स कर दें आपको नौ अच्छा ये पीकिंग कपैसिटी तो आती है डेढ़ माह या दो माह बाकी दस माह तो पीकिंग कपैसिटी आती नहीं ना उस वक्त आप देखें अभी आप बारह हजार पे हैं एन मुमकिन आप अगले माह दस हजार पे चले जाए तो आपका और ज्यादा उतना कपैसिटी बढ़ जाएगा